हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम लेके आ चुके हैं एक और धमाकेदार प्रोडक्ट। दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे पास है खिलौना, और ये क्या है दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा, ये है जेंगा। तो जेंगा दोस्तों बहुत सारे वेरिएंट्स में आता है, अलग अलग कंपनी बनाती है और काफ़ी पॉपुलर जो है गेम बन चुका है। तो मैंने जो है अपनी लाइफ में जेंगा के बारे में जो है सबसे पहली बार एक ब्लॉगर या तो यूट्यूबर के माध्यम से जो है मतलब मुझे पता था दोस्तों। और उनका क्या नाम था, वो IIT से पास आउट थे और ब्लॉगिंग की दुनिया के जो है मतलब ये टॉप के ब्लॉगर थे। अब तो यूट्यूब का ज़माना आ गया है, जियो का ज़माना आ गया है, तो अब उनको तो कोई खास इतना पूछेगा नहीं और वो इतने उसमें एक्टिव भी नहीं है। यूट्यूब के अंदर ब्लॉगिंग से ही जो है वो काफ़ी पैसा कमाते हैं दोस्तों, तो टेक्निकल ब्लॉग्स लिखते थे। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमारे पास जो है कलरफुल जेंगा है और ये आपको जो है 350 रुपये के आसपास में लोकल मार्केट या तो ऑनलाइन जो है दोनों जगह पर मिल जाएगा दोस्तों। वाओ, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का पूरा जो है कलरफुल जेंगा है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट कलर्स है। सेम कलर्स जो है आपको ये डाइस के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ये वाली डाइस है तो ये जो है एक्चुअल में गेम को ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता है अगर आप ये डाइस से खेलेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जेंगा के अंदर आपको पता है ये बैलेंस गेम है, तो डाइस में जो कलर आएगा उसमें से ही अगर आपको चूज़ करना है। वैसे तो आपके लिए एक डिफ़िकल्ट ऐसा नहीं है, डाइस से खेलेंगे तो सामने वाले के लिए भी जो है डिफ़िकल्ट बन जाएगा गेम। तो यहाँ पे जो भी ये जो है कलर आएगा उसके हिसाब से आपको जो है वो वाला वुड का टुकड़ा जो है निकालना है, तो गेम जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाता है। इसमें भी बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है, उसको भी मैं फ्यूचर में बताऊंगा। बट यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके का जो है मटेरियल देखने को मिल जाता है दोस्तों। फन स्कूल जो है उसका भी काफ़ी पॉपुलर है, और उसके अलावा जो है अभी तो रत्ना टॉयज़ ने भी निकाला है ये वाला, और उसके अलावा आदिति टॉयज़ जो है बहुत सारी कंपनी जो है वो वुडन ब्लॉक्स बनाती है, और डोमिनोज के रूप में भी जो इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि सर्कल में या तो एक लाइन में इसको जो है खड़ा मतलब प्लेन सरफेस है वहाँ पे इसके टुकड़ों को रख लीजिए, फिर मतलब पहले जो है सबको क्या बोलते हैं कि अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लीजिए, फिर जो है लास्ट कंप्लीट हो जाए मतलब खड़ा खड़ा ये सबको रख दिया, फिर धक्का मारेंगे तो बारी बारी करके सब जो है लाइन में गिरेंगे, तो वो भी एक खेलने का जो है मज़ा है उस चीज़ को। तो दोस्तों यहाँ पे दो गेम्स जो है, एक जो है इससे आप खेल सकते हैं, इस पर जो है फोकस कंसंट्रेशन चाहिए और जो है धीरज चाहिए। जो बच्चे जो है ना बहुत एक्टिव होते हैं, शांति से कुछ नहीं कर पाते, उनके लिए जो है गेम मतलब इतना यूज़फुल नहीं है, उसको तो आप बाहर खेलने के लिए भेज दीजिए, वही सबसे बढ़िया रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा दोस्तों, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप इसको कहीं से भी खरीद सकते हैं। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों मैंने जो है बहुत सारे जेंगा उसको अनबॉक्स एंड रिव्यू किया है, फन स्कूल के भी किए हैं, तो उसकी भी वीडियो प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मे बी आपको वीडियो जो है यूज़फुल लगा होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे।